हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम सिंघानिया और आज मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट में। आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आई लिंक पे आप क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब एक छोटा सा टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड का है जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल टॉपिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पास्ट ईयर्स में एक से दो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं। सो मैं इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहता हूं, सो आप मेरे साथ ये पूरी वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इस टॉपिक में क्लैरिटी ले सकें और इससे आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। सो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज थीसिस राइटिंग। सो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि थीसिस होता क्या है। सो जब भी कोई स्टूडेंट, आप आज PhD NET GRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बाद जब आप PhD एज वेल एज MPhil में से कुछ परस्यू करेंगे, सो आपको अपनी थीसिस या फिर डिसर्टेशन लिखनी पड़ेगी। और डिसर्टेशन और थीसिस होती क्या है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, या आप कह सकते हैं एक कंपाइलेशन होता है ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग योर कोर्स। सो आप अपने कोर्स के अंदर जो भी करते हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं इस पर्टिकुलर डिसर्टेशन या थीसिस राइटिंग के अंदर। अब ये थीसिस राइटिंग इतनी क्रूशियल क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपका वाइवा होता है, आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, और उसी के बेसिस पे आपको अपनी कोर्स की डिग्री वेदर MPhil और PhD अवार्ड की जाती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर थीसिस राइटिंग का एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करना एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अंदर हमें मेंशन करनी जरूरी है, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थीसिस राइटिंग और उसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि कुछ पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट इज द फाइनल एंड लास्ट पार्ट ऑफ रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब आप अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसका एक कंपाइलेशन बनाते हैं, एक समराइज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100-150 पेजेस का होता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, बट इट वुड इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने अपने रिसर्च में किया हो। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है थीसिस का। इट गिव्स सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई रिसर्च परस्यू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो स्टार्टिंग में होता है वो है रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन। जब तक आपके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन नहीं है, आप अपनी रिसर्च परस्यू नहीं कर सकते, बिकॉज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं अलग अलग एंगल से आप क्या क्या चीज़ें मेजर करना चाहते हैं या इवैल्यूएट करना चाहते हैं, यही सारी चीज़ें आप अपनी रिसर्च में करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम खोज ली एंड फाइनली हम उसका सॉल्यूशन या फिर आउटकम अपनी थीसिस राइटिंग में मेंशन करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इट शोज द कम्प्रेहेंसिव समरी ऑफ द रिसर्च टॉपिक। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो एक समराइज फॉर्मेट होता है ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद डिटेल नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। अब इस पर्टिकुलर थीसिस राइटिंग के अंदर आप रिसर्च मेथडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च टेक्निक, हर एक वो चीज जो आपने अपने रिसर्च में यूज करी है उन सबके बारे में मेंशन करेंगे, कोई भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप यहां पे स्किप नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, अब जरा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। तो देखते हैं फॉर्मेट को। सो सबसे पहले कुछ इनिशियल पेजेस आप इंस्टॉल करते हैं जिसमें आप कुछ बेसिक बताते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जिसमें आपका टाइटल पेज आता है सबसे पहले कि आपकी थीसिस का टाइटल क्या है, जो भी आप जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइटल आपका इस पेज के अंदर आएगा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत ही छोटी समरी होती है बिटवीन 200-300 वर्ड, जिसमें आप बताते हैं कि आपने एक्चुअली क्या किया था और उसका आउटकम क्या आया। तो ये दो पोर्शंस आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में डालते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्नॉलेजमेंट, आप जिसको इसको थैंक यू करना चाहते हैं, दैट इज आपके सुपरवाइजर्स हो गए, आपके HODs हो गए, कोई और आपके कलीग्स हैं, इनको आप थैंक यू करना चाहते हैं। डेडिकेशन, इसमें भी आप यही मेंशन करते हैं कि आप अपने इस रिसर्च को किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को, किसी ने आपको अगर स्पॉन्सर किया है तो आप उसको डेडिकेट करना चाहते हैं इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स मेंशन करेंगे, ये बताते हुए कि क्या क्या लेआउट्स हैं आपके फॉर्मेट में, मतलब क्या क्या पेज नंबरिंग है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ टेबल्स, अगर आपने कोई टेबल्स यूज करी है तो उसका भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप यही इनिशियल स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ फिगर्स, आपने कुछ फिगर्स यूज किए हैं, कुछ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स यूज किए हैं तो उसके बारे में भी आप डिस्क्रिप्शन सबसे पहले यहीं पे दे देंगे। तो ये सारी चीजें इनिशियल पेजेस या फिर स्टार्टिंग ऑफ योर थीसिस राइटिंग के में आती है। नेक्स्ट आफ्टर इनिशियल पेजेस आपका आता है मेन बॉडी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी थीसिस राइटिंग का। सो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। आप जब भी कोई टॉपिक, जिस भी टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं उसके बारे में कि
कहाँ से टॉपिक शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इवोल्यूशन क्या है, या क्यों आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक चूज किया है। सो उससे रिलेटेड सारा बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन आपके पहले पार्ट में आएगा, दैट इज योर इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड पार्ट। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडीज, जिसे हम लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। अब मैं आपसे, जब से आपको रिसर्च पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलरली कि जो लिटरेचर रिव्यू है वो मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ एनी रिसर्च होता है। और इसका रीज़न क्या है कि क्या अब तक रिसर्च हो चुकी है, उसमें क्या गैप हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रिसर्च नहीं करी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेचर रिव्यू करके पता चलती हैं। सो आप सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो अपनी मेन बॉडी के अंदर डालते हैं, डैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें आप बिल्कुल इन डेप्थ जाके मैक्सिमम स्टडी करके ये बताते हैं कि क्या क्या गैप्स हैं उस स्टडी में और उन गैप्स को आप कैसे फिल करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सेक्शन जो आता है वो है मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडी। इसमें आप बताते हैं कि आपने क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज़ करी है। यहाँ पे आप टेक्निक्स के बारे में बताएंगे कि आपने क्या टेक्निक्स यूज़ करी है। आप यहाँ पे डेटा सोर्सेज बताएंगे, आपने क्या डेटा यूज़ किया है, डेटा को एनालाइज कैसे किया है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सारा का सारा जिक्र आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो होता है प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। एक बार आपने मेथोडोलॉजी बता दी, टेक्निक बता दी, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने समराइज रिजल्ट शो करें। उस रिजल्ट में आप बताएंगे कि जो भी रिजल्ट के बेसिस पे क्या आपकी एनालिसिस निकल के आ रही है, आप उसे क्या इंटरप्रेट करते हैं या क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। ये सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट कॉलम में आएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर मेन बॉडी इज योर कंक्लूजंस एंड रिकमेंडेशंस। फाइनली जब आपने अपने डेटा को एनालाइज कर लिया, आपको इंटरप्रिटेशंस मिल गई, तो आप उसे कंक्लूजन में बताते हैं कि आपका कंक्लूजन क्या है और आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर रिकमेंडेशंस में क्या देते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि रिकमेंडेशंस में आप ये बताते हैं कि लेट अस से आप किसी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था पुरानी अपनी वीडियो में, अगर हम ये इम्पैक्ट देखें कि विमेन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूजन से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। अब अगर हमारी स्टडी के अंदर ये रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आता है, दैट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड आर एक्चुअली मेकिंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, अगर ये कंक्लूजन निकल के आता है, तो हमारी रिकमेंडेशन ये होगी गवर्नमेंट को या बॉडीज को, जो भी इसकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि डाइवर्सिटी हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे और उस पर वुमेन का प्रेजेंस हो, ताकि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनीज की वो इंप्रूव हो सके। एंड फाइनली उसका सारा का सारा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, जो कि डेवलपमेंट की ओर बढ़ती चली जाएगी। और स्टूडेंट्स, जो लास्ट पार्ट होता है आपकी थीसिस राइटिंग का, वो होता है रेफरेंस सेक्शन। मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आप पेपर्स का यूज़ किया, आपने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी बुक्स का यूज़ किया है, वो सारा का सारा आप मेंशन करते हैं रेफरेंस सेक्शन में, जहाँ पे आप रेफरेंसिंग करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की। सो एक हो सकता है अपेंडिक्स, जिसमें आप सारे ग्लॉसरी टर्म्स और रेफरेंसेस के बारे में बता देंगे, इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं रेफरेंसेस। हम रेफरेंसेस स्टाइल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो ये सारा पोर्शन अपेंडिक्स का पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई फुटनोट देना चाहते हैं, फुटनोट में कुछ बताना चाहते हैं रिलेटेड टू योर डेटा डैट यू हैव यूज्ड और किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानकारी देना चाहते हैं, तो वो आप फुटनोट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो आपने देखा कि ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लेआउट किया गया है, और आपको यही सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना होता है। बट आप थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ एडिशन कर सकते हैं या फिर कुछ डिलीशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन स्टडी, बट जो बेसिक फॉर्मेट रहेगा या फिर जो आप कह सकते हैं जो जनरल फॉर्मेट है, वो यही होता है थीसिस राइटिंग का। आई होप जो ये हमने आज टॉपिक कवर किया है थीसिस राइटिंग, ये आपको सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, ज़्यादा जब आप फ्यूचर में अपनी रिसर्च परस्यू करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत ही अच्छी रिसर्च करेंगे इन सारे पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखें। So that was all for today. I hope that you will score good marks. Till then, keep studying. Thank you and have a nice day.